tracking milestones of an incredible journey spanning 30 years. Rehman Music Sheets. 1992, Antham, a film in Telugu by Ram Gopal Verma. Its Hindi version, Drohi, had music by R.D. Burman, and the lyrics were by a new writer, Mehboob. 3 years later, Rangeela became a launchpad not only for A.R. Rehman, but also for Mehboob in the Hindi film industry. A.R. के लिए भी ये बड़ा challenging था, क्योंकि एक तमिल इंडस्ट्री से, तमिल जबान से निकल कर हिंदी जबान की तरफ आना उनके लिए एक बड़ी अहम और चैलेंजिंग बात थी, कि एक जिसे कहते कि हिंदी ऑडियंस की पसंद पे उतरना, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था यार को। मुझे इसलिए चैलेंज था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी डायरेक्ट। इसके पहले मैंने रामू जी के लिए एक दो डब फिल्में लिखी थी। पीपल वर एक्सपेक्टिंग ग्रेट फ्रॉम मी बिकॉज रोजा हिट थी और तमिल की फिल्में भी कुछ हिट थी और हिंदी में हम आ रहे थे, तो एक जिम्मेदारी भी थी सर पे कि जितना हो सके बेहतर दे सके। वी हैव टू नेल इट लाइक इन द फर्स्ट फिल्म। और द रिजल्ट इज़ एज यू नो कि आज तक रंगीला के गाने हिट है, लोगों को आज भी याद है। जो आज की जनरेशन, जो उस वक्त शायद पैदा नहीं हुए थे, मगर अब जब सुनते तो बोलते क्या गाने थे, क्या म्यूज़िक था। और जैसे कि कहा गया कि इट वॉज़ अ ट्रेंड सेटिंग म्यूज़िक, सो यस, AR डिड इज बेस्ट एंड वी वर देयर टू सपोर्ट हिम एंड As you say, rest is history. रंगीला में आपकी एंट्री कैसे हुई? देखिए, मैं आपको बताया, पहले जैसे बताया कि मैं दो फिल्में लिख चुका था रामू जी की, डब फिल्में थी, एंड ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विथ माई वर्क। और मैं हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता था कि रामू जी प्लीज़ मुझे एक अच्छी बड़ी फिल्म दीजिए, एक अच्छा बड़ा ब्रेक चाहिए मुझे। फिर एक दिन रामू जी की तरफ से कॉल आया। मैं आपको बता दूँ कि उस वक्त मैं रोज़े में था, 21वां रोज़ा था उस साल का। और रामू जी का एक असिस्टेंट मुझे बुलाने आया सुबह सुबह, और उसने कहा कि रामू जी को फ़ोन करो। मैंने रामू जी को फ़ोन लगाया, रामू जी ने खुशखबरी सुनाई, मैं उछल पड़ा। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ रंगीला, और लास्ट नाइट आई साइंड AR रहमान फॉर द फिल्म एंड आई वाज लाइक वाओ, AR फर्स्ट हिंदी फिल्म एंड आई वांट यू टू राइट द फिल्म। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या खुशी की इंतहा होगी मेरी व्हेन रामू जी साइंड AR फॉर रंगीला। तो AR ने उनसे सवाल किया कि रामू, हु विल राइट द लिरिक्स? और जाहिर बात है हमारे साथ तमाम गुरु उस वक्त हयात थे, बख्शी साहब, मजरू साहब। तो एंड समवेयर AR वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ऐसा ही कोई नाम आएगा। तो रामू जी ने कहा महबूब। तो AR ने दो सेकंड बाद पूछा कि क्या इसने पहले कभी कुछ लिखा है? तो रामू जी वो बात नहीं बताई कि मैं डब फिल्म लिख चुका हूँ। बोले नहीं, ही इज़ वेरी न्यू। तो वहाँ फिर मैं कहूँगा कि AR की मोहब्बत बोलिए या एक अनजाना सा एतमाद था उस आदमी का, हालांकि हम तब तक मिले नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर ये नया है तो कुछ नया लिखेगा रामू, कॉल हिम। जब आपने रंगीला के गाने लिखे तो उसमें हर गाने से जुड़ी ज़रूर कुछ ना कुछ कहानियाँ होंगी, जैसे याइरे सॉन्ग। याइरे तो आप देख लीजिए ना कि वो सिचुएशन यही थी उमेश की, एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है, शी वॉन्ट टू मेक बिग इन द फिल्म इंडस्ट्री, शी वॉन्ट टू मेक अ बिग नेम, करेक्ट? ये पहली फिल्म, पहली सिचुएशन, पहला गीतकार लिखने वाला, उसकी भी एस्पिरेशन थे कि कुछ नाम हो, तो ये बिल्कुल हम पे सूट कर गया था। तो मैं अब उसी कश्ती में सवार थी जिसमें उर्मिला का कैरेक्टर था, तो मैंने वो गाना लिखा कि इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो। इसी तरह हाय रामा ये क्या हुआ गाना, जो अपने आप में एक बिल्कुल अनोखा गाना साबित हुआ, उसका तो बड़ा मसला रहा मेरे साथ। मतलब मैं अंदर ही लिख चुका था लेकिन रामू जी किसी मुखड़े पे खुश ही नहीं हो रहे थे। मैं बड़ा परेशान था कि ये क्या हो रहा है, कि आप यकीन करें मैंने करीब 55 या 60 अंदर लिख चुका था मुखड़े, मगर एक भी समझ नहीं आ रही थी कि यार, क्योंकि कभी मैं खुश नहीं होता, कभी रामू जी, महबूब वी नीड समथिंग मोर। बट एनीवेज, फिर मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, ऑन द वे ये मुखड़ा मेरे जहन से निकला कि हाय रामा ये, वो भी अपनी कैफियत थी कि हाय रामा ये क्या हुआ, और वो बस बैठ गया गाना उस पर, और रामू जी बोले दिस इज़ व्हाट आई वांट, और गाना हो गया। क्या करे क्या ना करे, अगेन आई वुड से इट वॉज माई सिचुएशन ओनली उमेश। रामू जी लेफ्ट मी इन द स्टूडियो एंड रामू जी ने कहा कि मैं वो ट्यून तुम्हारे पास है, जस्ट ट्राई समथिंग ऑन इट। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी थी उमेश, उस वक्त एक फोर्स नहीं होता था कि अब भी लिख दो, तब भी लिख दो, कल लिखो, आज लिखो, टेक योर टाइम, कम आउट विद गुड वर्क। ये एक बड़ी अच्छी वहाँ पर सहूलतें थी। तो रामू जी चले गए मनी सर से मिलने के लिए। रहमान ने कहा कि महबूब मैं ट्रैक तैयार करता हूँ, यू जस्ट थिंक समथिंग एल्स, सम वर्ड्स फॉर द सॉन्ग।
अब मैंने एक मुखड़ा लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगा, दूसरा लिखा, दूसरा भी समझ नहीं आया, तो मेरे ही मुँह से ये बात निकली, क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा है। एंड देयर वॉज इट इज, सिचुएशन वही थी कि आमिर कह नहीं पा रहे थे, आज सिचुएशन ये थी कि आमिर का जो कैरेक्टर है वो कह नहीं पाता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सो आई रोट क्या करे क्या ना करे। अब लिख तो लिया उमेश, एक घंटे बाद रामू जी तशरीफ लाएं तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ लिखा होगा, मैंने कहा कुछ नहीं लिखा, मैं डर रहा था कि सुनाओगे नहीं, बोले मैम इट इज़ वेरी इंपॉसिबल डेट, अब एक घंटा हो गया तुमने कुछ लिखा नहीं, तो मैंने कहा रामू जी लिखा हूँ लेकिन देखो नहीं पसंद है तो यार कुछ चिल्लाना मत, बोले नहीं नहीं लिखो ना बताओ क्या है। एंड द मोमेंट आई सैंग टू हिम ना, क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हलो मेरे भाई, तो रामू जी मेरा चेहरा देखते हुए हैरत से बोलने लगे फ्रॉम वेर यू गॉट दिस वर्ड्स, रामू जी ये मुझसे आप क्या सवाल करते हो कहाँ से लाया, आ गया। बोले नहीं इट इज़ वेरी कलिकल, लाइक हर दिन दिन में एक आदमी बोलता ही कि क्या करे व्हाट टू डू क्या करे क्या ना करे, ये तुमने गाने में ला दिया। तो जस्ट दैट मोमेंट रहमान एंटर्ड, रहमान केम आउट ऑफ द स्टूडियो, बोले व्हाट क्या क्या हुआ क्या व्हाट हैपेंड, तो रामू जी ने जब बोले कि यार ही एक अमेजिंग कुछ वर्ड आया कि क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, तो रहमान सेड व्हाट्स द मीनिंग, मैंने कहा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हे सो सिंपल। तो मैंने उनको बताया भाई लोग ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने प्रॉब्लम को इस गाने में डाल दिया। तो इस तरह से फिर वो गाना बना, फिर उदित जी को हमने बुलाया और अगेन रात को 2 बजे गाना रिकॉर्ड हुआ, 4 बजे ख़त्म हुआ, इस तरह से। इन सब गानों से पहले रंगीला के लिए जो पहला गाना आपने लिखा था वो था तन्हा तन्हा, जब आपने रहमान साहब को वो गाना सुनाया तो क्या रिएक्शन था उनका? रहमान लव्ड इट, रहमान ने कहा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, कौन गाएगा। अब जैसे ही रहमान ने आशा जी का नाम लिया तो सबसे पहले मेरे तलवों में पसीने आए कि यार पहला गाना और आशा जी आ रही है अभी, वो क्या मैं उनको, मतलब आप समझ सकते कि एक नोवाइस, एक बिल्कुल नया इंसान, बट एनीवे आशा जी आई। तो मैंने चुपके से रामू जी से कहा कि रामू जी मुझे उम्मीद है आशा जी को पंचम तक की याद ज़रूर आएंगी इस गाने को गा के, ये मैंने कहा था रामू जी से। बहरहाल आशा जी आई और उन्होंने गाना गाया तना तना, और यही हुआ, उन्होंने जब बाहर निकले वो और बहुत तारीफ़ की मुझे मेरी और कहा कि महबूब भाई पंचम की याद दिला दी आपने। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सिंगर जो है ज़बान होती है गाने की, म्यूज़िक डायरेक्टर जिस्म, लेकिन रूह इस गाने की, हर गाने की रूह उसका लेखक होता है, उसका गीतकार होता है, जो जज्बात को अल्फाजों में पिरो के उस धुन में संवारता है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। महबूब सर एक गाने में लिरिसिस्ट के, गीतकार के रोल को किस तरह देखते हैं आप? मैं ये नहीं कहता कि लिरिसिस्ट का ही बहुत अहम हिस्सा होता है, कंपोजर का भी होता है, सिंगर का भी होता है, और तमाम उन म्यूजिशियंस का भी होता है जो उसको संवारते हैं। लेकिन अगर हम एक, मैं अपनी तरफ से एक बात करूं कि अगर हम एक ट्यून आपको देते हैं तो आप एक ट्यून को कितनी दिन कितनी देर आप गुनगुना सकते हो, मान लीजिए ता ता रा दा 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 दा, कितनी देर आप गाओगे, आप कुछ कहना चाहोगे उसके अंदर। जैसा मजरू साहब कहते थे मुझे कि महबूब ट्यून की अपनी ज़बान होती है उसको समझ लिया करो, तो शायद वो कुदरती गिफ्ट थी मेरी तरफ, मुझे देन थी कि मैं समझ लेता था कि क्या बोल रही है। तो उस ट्यून को, उस मेलेडी को और खूबसूरती देने के लिए अच्छे अल्फाज के साथ अच्छे थॉट्स, और अच्छे थॉट्स के साथ अच्छे अल्फाज होना बहुत ज़रूरी है, फिर एक आवाज़ आती है जो उसको संवारती है और उसकी ज़बान बनती है। आई वॉज इन्जॉइंग रंगीला। उस रंगीला को लिखते वक्त 3 गाने हो चुके थे कि AR ने मुझसे एक दिन कहा कि वुड यू लाइक टू राइट बॉम्बे, कौन सा गाना था, हम्मा था या कोई एक गाना था, तो मैंने कहा रहमान बट एक बात है, तो बोले क्या, आई वॉन्ट राइट वन सॉन्ग, आई वॉन्ट टू राइट द फुल फिल्म, तो बोले यू वॉन्ट टू, मैंने कहा या, सो यू राइट इट। लेकिन जब आपको बॉम्बे के गानों की ट्यून्स दी गई तो आप तो लिखना ही नहीं चाहते थे, ऐसा क्यों? इतने लंबे लंबे मुखड़े थे, कहना है क्या, ये दारा दा 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 चले मिलने लगे, जो मैं लिरिक्स से बगैर बता रहा हूँ कि, तो मैं घबरा गया उस रात, मैंने कहा यार इतने लंबे लंबे मुखड़े कौन लिखेगा यार, ये गाने चलेंगे या नहीं चलेंगे किसको पता है। तो मैंने बॉम्बे में अपने एक दो दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा, मेरे छोटे भाई को मैंने फ़ोन किया, मैंने यार ये क्या, ये मैं छोड़ देता हूँ,
आप यकीन करो हमेशा आई वॉज फेड अप विद द ट्यून्स। मैंने कहा यार मुझे नहीं लिखना है। शाम को मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन पे कहा कि देखो छोड़ना तो छोड़ दे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ छोड़ो, इतना लंबे लंबे गाने कौन गाएगा, पर इतना याद रखो। अब वो जो जुमला मुझे बोला गया कि इतना याद रखो, इसके चर्चे बड़े हो रहे हैं कि रोजा के बाद रमणी रत्नम आ रहे हैं बॉम्बे के साथ अगेन विथ रहमान एंड इट इज़ बेस्ड ऑन बॉम्बे राइट्स, तो गाने फिल्म के चर्चे बहुत है, अगर लिख लो तो कमाल हो जाए। मैंने कहा फ़ोन रखो, और फ़ोन रख के फिर मैंने पहला गाना लिखा, कहना ही क्या ये नैन जो अनजान से मिले। माई मस्टर्ड माई स्ट्रेंथ आई वुड से, मैंने अपने आप को जमा किया, मजबूत किया कि चलो लिख ही लेते हैं, अदरवाइज बिलीव मी, शायद लोग बिलीव ना करें इस बात को, बट आई वॉज प्लानिंग टू से नो टू एयर कि यार मुझे नहीं करनी फिल्म, बहुत बोर लग रहा है मुझे। बट अगेन आई वुड से उमेश वक्त था, लिखा हुआ था, मेरे हिस्से में था, आ गया। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, गुमसुम गुमसुम गुपचुप जो पहला जो पहला पार्ट आता है गाने का, कहना है क्या के पहले, वो मनीष सर और रहमान को इतना पसंद है कि उन्होंने तमिल में सेम चीज़ रखी है, गुमसुम गुमसुम गुपचुप, सेम उन्होंने उसी में उसको रिटेन किया तमिल के अंदर भी। मनीष सर चूँकि हिंदी नहीं जानते तो फोनेटिक्स पे बड़ा भरोसा करते थे कि यार अल्फाज अच्छे साउंड होने चाहिए। फोर्थ मैंने उनसे साफ कहा था, सर मैं लिप सिंगिंग तो कोशिश करूँगा लेकिन होता नहीं है 100%, आई कान गिव यू, बट यस आई विल टेक द सिचुएशन टू इट्स पीक, ये मैं करूँगा, कोशिश करूँगा गाने की कि उसकी कैफियत को पूरा बयान कर दूँ। तो मनीष सर ने मुझसे इतना कहा था कि मैं खाली आ लिप्स मिल रहे अब ऐसे मिल रहे हैं, खाली उसका थोड़ा ध्यान रखो और नहीं होना मैं वो कोई बात नहीं, बट यू राइट समथिंग गुड स्टफ। वो मेरे लिए आज़ादी थी उमेश, तो मज़ा आया। लेकिन मुझे, मैं सच कहता हूँ, बॉम्बे लिखते वक्त स्पेशली कहना है क्या जब लिखा, मुझे अभी भी याद है जब मैंने मोहरा लिख के होटल में तैयार बैठा था कि जाके मनीष सर को सुनाना है, तो रामू जी और हमारे स्वर्गीय जम्मू सुगन जी दोनों उसी होटल में रुके हुए थे, हम सब एक ही होटल में थे, तो रामू जी मेरे पास आए, रामू जी वॉज लाइक टेकिंग केयर की महबूब क्या लिखा सुनाओ ताकि मैं मनी को बताऊँ कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो रामू जी आए मेरे रूम में सुबह 9 बजे करीब और बोले महबूब सुनाओ क्या है, तो मैंने कहना है क्या गा के सुनाया उनको, तो बोले अमेजिंग जस्ट वेट। उन्होंने फ़ोन कॉल, उन्होंने रूम से कनेक्ट किया जम्मू जी को, जम्मू जी जम्मू नीचे महबूब ने कुछ लिखा सुन ले, जम्मू जी नीचे, जम्मू जी सुनते मुझे गले लगा, बोले महबूब ये सुपर हिट गाना है यार तू देख ले ये सुपर हिट है। मैंने कहा ठीक है, और सुपर हिट हो गया वो गाना, आज भी लोग कहने क्या के दीवाने हैं माशाल्लाह से। तो बस एक ही कहूँगा उमेश, मेहनत हर कोई करता है, थोड़ा तकदीर साथ दे जाए बस। तू ही रे जो गाना है वो मतलब टूटे हुए दिलों के लिए एक एंथम की तरह से है, आप क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, जब मैंने तू ही रे लिखा था तो मैं, मुझे जम्मू जी ने एक दिन ऑफिस में बुलाया और कहा कि मैं तेरे तुझे अपने एक दोस्त है प्रोड्यूसर उनसे बात करा, तो मुझे नाम नहीं आता उस प्रोड्यूसर का, तो मैंने कहा क्यों, बोले बात कर ले। तो मैंने जब उनसे फ़ोन लिया तो वो मुझे मेरा नाम सुनते चिल्लाए महबूब करके चिल्लाए, मैंने कहा क्या हुआ सर आप मुझे याद कर रहे थे, बोले देख अभी भी मेरे सामने बोतल खुली है गिलास रखा हुआ है, मैं अपनी बेवफा महबूबा को याद करके तू ही रे सुन रहा हूँ। तो उमेश मुझे यही हाल मैंने तड़प तड़प के टाइम पर भी सुना, तो मैं कभी सोच में भी जाता हूँ कि खुदारा मैंने लोगों को शराबी तो नहीं बना दिया, उन लोगों को मैंने बिगाड़ तो नहीं दिया। आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे। रहमान एंड महबूब केम टुगेदर अगेन फॉर वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम विल एच देयर नेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक फॉर एवर। It was also an album that brought Nusrat Fateh Ali Khan and A.R. Rahman together. Recording with Nusrat Sahib on that night at Lahore is something Mehboob can never forget. Why? Join us in our next episode with Mehboob. Rahman Music Sheets will continue to track his incredible journey to superstardom, connecting you with his creative partners, also engaging with musicians he inspired. If you have reinterpreted or recreated Rahman's music, share your videos. If selected, you will get featured on Rahman Music Sheets.
To submit your videos, log on to our website o2-india.com.